युवा लोकतंत्र होने के नाते देश का भविष्य युवाओं के कंधे पर आधारित है। आज का युवा समाज में बदलाव लाने के लिए सक्षम है। ये विचार अरुण धूमल ने भाजपा युवा मोर्चा शहरी इकाई द्वारा आयोजित युवा प्रोत्साहन समारोह में युवाओं को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। अरुण धूमल ने कहा कि हमारे देश में युवा मतदाता की संख्या काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए देश का युवा अहम भूमिका निभा सकता है। संस्कार आधारित शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने चाहिए। स्कूलों में ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे बच्चे आगे बढ़ सके, बच्चों के ज्ञान में वृद्धि हो सके, परन्तु वर्तमान समय में इसके बिल्कुल उल्टा हो रहा है। उन्होंने कहा कि जगह जगह स्कूल खोलना ठीक नहीं है, इससे पढ़ाई के स्तर में वृद्धि नहीं हो रही है। ऐसे स्कूलों में बच्चों की संख्या भी बहुत कम है, अध्यापक भी कम है। ऐसी स्थिति में बच्चों में कंपटीशन की भावना पैदा नहीं हो पा रही है। मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ की युवा मोर्चा की इकाई को कि उन्होंने युवाओं के प्रोत्साहन के लिए इतने बड़े अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। मुझे आशा है कि इसका संदेश पूरे क्षेत्र में जाएगा, ये और भी युवाओं को मोटिवेट करेगा अच्छा करने के लिए, ताकि वो देश और प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान दे सके। विधायक विजय अग्निहोत्री ने कहा कि जब भी संस्कार आधारित शिक्षा पर बल देने का प्रयास किया जाता है तो देश साम्यवादी और अन्य ताकतें इसके विरुद्ध आकर खड़ी हो जाती हैं और भगवाकरण के आरोप लगाने लगती है। उन्होंने कहा कि जब तक बच्चों को संस्कार अनुशासन नहीं सिखाया जाएगा, तब तक उन बच्चों को आगे बढ़ने में हमेशा परेशानी रहेगी। अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान केंद्रीय सरकार शिक्षा की दिशा में अच्छे कार्य कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोच को आगे बढ़ाया जा सकता है जिसमें प्रधानमंत्री ने संस्कार आधारित शिक्षा पर बल दिया है। पूर्व युवा मोर्चा शहरी इकाई के अध्यक्ष संदीप भाटिया की अगुवाई में मुख्य अतिथि ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही भारतीय बैडमिंटन टीम के मेजर राजेंद्र शर्मा को भी विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की शहरी इकाई ने युवा प्रोत्साहन कार्यक्रम ऐसे समारोह के रूप में मनाया है। इसमें क्षेत्र के जो युवा हैं, बच्चे हैं, जिन्होंने पढ़ाई में, किसी ने खेल में, किसी ने अन्य किसी क्षेत्र में, कल्चर प्रोग्राम्स में उत्कृष्ट काम किया है, उन सबको सम्मानित किया गया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ शहरी युवा मोर्चा को जिन्होंने ये रचनात्मक कार्यक्रम की शुरुआत की है और इस क्षेत्र के युवाओं को, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए काम कदम उठाया है। इसके कारण से युवाओं में एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा पैदा होगी और प्रेरणा मिलेगी, ताकि समाज में अच्छे लोगों का जब शाबाशी मिलती है, उनका सम्मान होता है, तो वो और ज़्यादा प्रेरित होकर और ज़्यादा मेहनत कर और आगे बढ़ते हैं और साथ में उनको देखकर अन्य लोग भी, अन्य बच्चे भी, अन्य युवा भी इस कंपटीशन में आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जानकारी देते हुए संजीव भाटिया ने बताया कि कुल 60 ऐसे बच्चों को सम्मानित किया गया जिन्होंने शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है। आज के कार्यक्रम का, हमारा युवा मोर्चा शहरी इकाई का ये उद्देश्य था कि नदौन क्षेत्र के जितने भी बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में जो अव्वल आए हैं, उनको सम्मानित करने का हमने ये प्रयास किया है। युवा मोर्चा शहरी इकाई की तरफ से एक युवा प्रोत्साहन समारोह रखा है, इसमें के हम बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं, जिससे कि आगे जाके बच्चों को हर क्षेत्र में सफलता हासिल हो और वो आगे देश विदेशों में जाकर हमारे नदौन क्षेत्र का जो नाम रोशन करें और आने वाले दिनों में एक नदौन क्षेत्र की अलग पहचान बनाएं और इसी तरह हमारी उम्मीदों पर अच्छे उतरें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। और हम, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे श्री माननीय विधायक विजय अग्निहोत्री जी का और HPCA वाइस प्रेसिडेंट श्री अरुण धूमल जी का, जो उन्होंने अपनी इस बहुत ही व्यस्त समय में हमें अपने कुछ पल दिए, और नदौन वासियों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा सफल बनाया, और युवा मोर्चा शहरी इकाई का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने, हर एक युवा ने अपनी तन मन धन से जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास किया। धन्यवाद।